जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फारूक अली के अंग रक्षक रिजवान अंसारी के कार्यों की काफी सराहना हो रही। वीसी के अंग रक्षक रिजवान अंसारी जो पर्यावरण को सुरक्षित, स्वच्छ और संरक्षित करने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हालांकि ये प्रेरणा उन्हें कुलपति से मिली है जो खुद साफ सफाई और पौधारोपण को लेकर काफी सजग रहते हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हजारों पौधारोपण किया गया जिसकी देखभाल और वहां साफ सफाई का विशेष ख्याल उनके द्वारा रखा जाता है। अंगरक्षक रिजवान ने बताया कि कैंपस के अंदर लाखों की संख्या में पार्थेनियम के जंगली पौधे जमे हुए हैं, मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक माने जाते हैं, जिनके वातावरण में रहने से कई गंभीर बीमारियों का होना निश्चित माना जाता है। ऐसे में उन पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित बनी रहे। ऐसे में रिजवान ने सभी से ये अपील भी की कि जहां भी इस तरह के पौधे दिखे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। रिजवान अपनी ड्यूटी से समय बचने के बाद भी इस कामों में लगे रहते हैं। वहीं इनके साथ अनिल कुमार, राम प्रवेश शर्मा, धमेंद्र कुमार सभी साथ मिलकर इस कार्य को करते रहते हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हम विश्वविद्यालय में आए हुए हैं जब से डीसी साहब के अंगरक्षक के रूप में, तब से लगातार डीसी साहब के साथ या उनके न रहने पर अन्य साथियों के साथ मिलजुल ये सब करना कैसा लगता है आपको? बहुत बेहतर लगता है कि समाज के लिए कुछ हम लोग अपना श्रमदान करके कुछ मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से लोग बचे जो कि बहुत बड़ी बीमारी। कौन सा ये जंगली पौधा है जिसको आप उखाड़ रहे हैं? पार्थेनियम। पार्थेनियम, पार्थेनियम जो है इसके वजह से सर ने बताया इसके बारे में कि इसके वजह से कैंसर होता है। जो जब विदेश से गेहूं आया था उसी समय बहुत पहले आया साथ में आ गया जी। इसके वजह से जहां हम लोग देखते हैं नजर पड़ता है उसको उखाड़ देते हैं। उसके साथ साथ वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष का पटौन शुरू है। हफ्ते में एक बार सबका सब पानी लेकर आप आते हैं गाड़ी से? गाड़ी से वहां से पानी आता है लेकर के ग्राम से इसके पाइप से सिंचाई किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा सिपाही 1239 रिजवान अंसारी, जिला बलसार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।